नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिंदास जिंदगी की तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे, मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बॉलीवुड की 5 बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ। सबसे पहली खबर है फिल्म गदर 2 के खलनायक यानी कि विलेन मनीष वाधवा को लेकर, जिसको लेकर आज बहुत ज्यादा क्रेज बना हुआ है। कहां पर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जो जनता है उनके समर्थन में बहुत ज्यादा प्यार दिखा रही है। उन्हें ढूंढ ढूंढ कर जो है इंस्टाग्राम हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया, वहां पर उनको मैसेजेस किए जा रहे हैं, लव यू सर फ्रॉम पाकिस्तान। जी हाँ, और यही नहीं, वहां से कुछ लोग यहाँ भी आ रहे हैं और उनके साथ मिल रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी बात क्या हो गई? मनीष वाधवा की एक्टिंग में ऐसा क्या नजर आया? हालांकि उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ इतना प्यार दिखाने का कारण क्या है, तो यह है कि वो पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हैं, पाकिस्तान के जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और वहां के जनरल कमांडर की भूमिका में है। तो पाकिस्तान की जनता तो उन्हें ही प्यार दिखाएगी, ना कि सनी पाजी तारा सिंह के खिलाफ प्यार दिखाएगी उनके समर्थन में, जिन्होंने पाकिस्तान का हैंड पंप ही उखाड़ कर रख दिया था और उसकी बुरी तरह से फजीहत कर दी थी पार्ट 1 में। दूसरी खबर है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, जिसने एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। जी हाँ, अब तक इस फिल्म ने 145 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है दूसरे हफ्ते में। लेकिन जो रिकॉर्ड की बात मैं कर रहा हूँ वो यह है कि जो पठान के बाद पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म जो है दूसरी फिल्म बन चुकी है 90 करोड़ की कमाई के साथ। तो बात तो बनती है कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जो है ये वाकई में अच्छी फिल्म है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इस फिल्म को देख लीजिएगा और मेरा रिव्यू भी जो है आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। तीसरी खबर है दोस्तों वेलकम 3 के बारे में। वेलकम 3 में अक्षय कुमार अपने राजीव वाले अवतार में फिर से नजर आने वाले हैं और उनके साथ इस बार बॉबी देओल भी नजर आने वाले हैं। लेकिन जो बड़ी खबर यह है कि उदय शेट्टी और मजनू भाई का किरदार निभाने वाले नाना पाटेकर और अनिल कपूर इस बार इस पार्ट में नहीं होने वाले हैं, उनकी जगह ले ली है संजू बाबा और अरशद वारसी ने। जी हाँ, मुन्ना भाई की सर्किट वाली जोड़ी यहाँ पर आ गई है और जो संजू बाबा है वो किरदार निभाने वाले हैं उदय शेट्टी का और मजनू भाई का किरदार निभाने वाले हैं अरशद वारसी। मैं तो इस फैसले से बहुत ही हैरान हूं कि ऐसा क्यों कर दिया, लेकिन आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताइए कि इस चेंज के बाद क्या लोग इस फिल्म को देखना चाहेंगे या फिर वो देखना चाहेंगे कि वो क्या नया कमाल कर सकते हैं। चौथी खबर है जेलर फिल्म को लेकर। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में जैकी श्रॉफ ने बताया कि किस तरह से जो है रजनीकांत सर ने उनको आकर के सॉरी कहा था और उनके सामने हाथ जोड़ के कहा था कि मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। तो बात है उन दिनों की शूटिंग की, जब जेलर फिल्म की शूटिंग चल रही थी और जो है रजनीकांत सर जी का सारा सीन खत्म हो गया था उस दिन का और वो जा रहे थे और ऐसे में उन्हें गाड़ी में बैठने के बाद याद आया कि वो कुछ भूल रहे हैं और वो जैकी श्रॉफ के पास आते हैं, उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं कि भाई मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। और यह सुनकर के जैकी श्रॉफ जो है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया। तो बहुत ही विनम्र स्वभाव के साथ, विनम्रता के साथ जो है रजनीकांत सर कहते हैं कि माफ करना, मैं आपको बाय कहे बिना ही चला गया था, मुझसे गलती हो गई। जरा सोचिए कि वो कितने बड़े स्टार हैं जिन जो अपने फैंस की तो इज्जत करते ही उनको दिलों पर बिठाते हैं, लेकिन अपने को एक्टर्स के प्रति वो कितने मतलब कि उनका कितना सम्मान करते हैं कि वो बाय कहना भूल गए थे और इस बात को लेकर वो आए उनके पास और हाथ जोड़ के सॉरी कहा। तो ये एक बहुत सच में बहुत बड़ी बात है जो मुझे लगता है कि ऐसा कोई एक्टर और दूसरा कर नहीं सकता है। पांचवी और आखिरी खबर है गदर 2 और ओ माय गॉड 2 की एडवांस बुकिंग को लेकर। जी हाँ, ओ माय गॉड 2 की जो टिकट बिक्री है वो गदर 2 के मुकाबले काफी कम है और इसकी वजह है जो मैं मानता हूं कि एक तो इसे सेंसर सर्टिफिकेट बहुत देर से मिला और ऊपर से मिला तो क्या मिला, ए सर्टिफिकेट मिला। तो इसी कारण से जो है ओ माय गॉड 2 की जो टिकट बिक्री है वो बहुत कम है गदर 2 के मुकाबले, जमीन आसमान का अंतर है, करीब 1,00,000 टिकट बिक्री जो है कम है ओ माय गॉड 2 की। लेकिन इससे फर्क ये पड़ेगा कि ओपनिंग डे में जो है गदर 2 की ओपनिंग डे कमाई बहुत अच्छी होने वाली है ओ माय गॉड 2 के मुकाबले। लेकिन मेरा मानना है कि जब एक बार दोनों फिल्म रिलीज हो जाएगी तो उसके बाद ओ माय गॉड 2 को देखने के बाद इसके कंटेंट को लोग अगर पसंद करेंगे, लोग ईमानदारी से इसके कंटेंट के बारे में अच्छा कहेंगे, अगर अच्छी हुई वाकई में, मैं ऐसा कह रहा हूं, अगर अच्छी हुई वाकई में तो फिर इस फिल्म की भी कमाई बढ़ेगी और यह फिल्म भी आगे निकल जाएगी। और गदर 2 जो बहुत ज्यादा इसका हाइप बना हुआ है, अगर उसमें अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो नुकसान भी हो सकता है। तो अभी के प्रेडिक्शन को लेकर के हम कुछ नहीं कह सकते कि बॉक्स ऑफिस का किंग कौन बनने वाला है, गदर 2 या ओ माय गॉड 2। आपको इन पांचों खबरों में से कौन सी खबर ज्यादा अच्छी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अब से हर रविवार को मैं बॉलीवुड इस हफ्ते यानी कि बॉलीवुड की 5 खबरों के साथ आया करूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए कंटेंट, एक नए रिव्यू के साथ में। नमस्कार, ओम शांति।